स्कूल में शर्मनाक घटना, साथी छात्र पर लगे आरोप। दिल्ली के स्कूल में इस मामले से सब दंग। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। 4.5 साल के बच्चे पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। नहीं नहीं, क्वेश्चन ये है कि एलिगेशन अगर आया है, एलिगेशन के ऊपर लीगल कंसल्टेशन लेकर एफआईआर तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन में के बाद इन्वेस्टिगेशन की बात आती है, तो वो आगे की बात कार्रवाई हो रही है। और हम लोग हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी एंड केयर के साथ इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। लेकिन जानकारों के मुताबिक इस मामले में आगे की कार्रवाई बेहद मुश्किल होगी। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 82 के तहत पुलिस को 7 साल से कम उम्र के बच्चे पर केस दर्ज करने से बचना चाहिए। इस उम्र में किसी भी बच्चे का दिमाग पूर्ण तौर पर इतना विकसित नहीं होता है कि वो अपराध करे। इतने कम उम्र के बच्चे पर लगा आरोप हैरान करने वाला है। इससे पहले प्रद्युम्न मर्डर केस में 11वीं के छात्र पर आरोप लग चुके हैं। बच्चों और किशोरों पर आरोप चिंता का सबब है। इसके साथ ही बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले बड़ी चुनौती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक साल 2015 में भारत में बच्चों के खिलाफ अपराध में 94,172 मामले दर्ज किए गए। इनमें अपहरण के 41,893 मामले, यौन शोषण के 14,913 मामले, रेप के 10,854 और हत्या के 1,758 मामले थे। मासूम महफूज नहीं है, पूरे समाज पर सवाल है, कैसे रुकेंगे मासूमों के खिलाफ अपराध, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज नेशन। तो बुनियादी सवाल ये कि मासूम कैसे सुरक्षित रहें, घर के भीतर भी और घर के बाहर भी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे साथ ज्योति गुप्ता हैं, आप प्रिंसिपल हैं DPS गाजियाबाद की, हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर निशा खन्ना साहब, आप साइकोलॉजिस्ट हैं दिल्ली से जुड़ रही हैं हमारे साथ। उदय सहाय साहब हैं IPS अफसर हैं, लंबा अनुभव है आपका, और साथ में अरफा खानम हैं, आप अधिवक्ता हैं। डॉक्टर निशा, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही लूंगी इस पूरे विषय पर, इसको कैसे हम डिफाइन करें? आज समाज में अगर इस तरह का कोई मुद्दा निकल कर आया है, आई थिंक ये बहुत रेयर मामला है, इसे कैसे हम डिफाइन करें? देखिए, बच्चों की सेक्सुअल आइडेंटिटी को लेकर कई बार मैंने इश्यूज अटेंड किए हैं। इवन मैंने 5 साल के बच्चे का वो मॉल आई वुड से मैस्टिबेशन कर रहे हैं वो एक्ट्स भी किए हैं, या बॉडी प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पर टच करते हैं। बट अगर आप मुझे बोलें कि एक बच्चे ने चाइल्ड अब्यूज़ किया है, वो मैंने अभी मेरे पर्सनल टच में, मैंने ऐसा अभी पर्टिकुलर पिछले 16 साल के अपने हिस्ट्री में कभी कोई केस नहीं किया है। बट हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि कहीं ना कहीं बच्चों की मनोवृत्ति पर बहुत असर पड़ता है। उसका कई बार रीज़न ये भी होता है, नोइंगली या अननोइंगली बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, चाहे वो हमारे घर का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट हो, चाहे वो TV, आजकल बच्चों का एक्सपोजर है जिसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या TV के माध्यम से भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैं छोटा सा एक इंसिडेंट बोलूँगी, जैसे कई बार बच्चे छोटे होते हैं, इवन 5 साल की उम्र तक माँ बाप स्पेशली मदर्स जो हैं वो बच्चों के सामने कपड़े चेंज कर लेती है, जो कि एक बहुत नॉर्मल उनके लिए चीज़ होती है, बट उनको ये नहीं पता होता इसका बच्चे की साइकी पर क्या असर पड़ता है। इट इज़ वी ऑलवेज सेज ड्यूरिंग द काउंसलिंग, कभी भी आप अपने बच्चों के सामने कपड़े चेंज मत कीजिए, क्योंकि इसका भी बच्चों की साइकी पर असर पड़ता है। जी, हमारे ऐसे साथ कई इंसिडेंट्स या ऐसे कई मैंने केसेस देखे हैं जिन्होंने 10 साल की उम्र में अब्यूज़ किया है, चाइल्ड मोलेस्टेशन किया है, उन्होंने ऐसे कई इंसिडेंट्स बताए हैं जिनका प्रभाव उनके साइकी पर पड़ा। बिल्कुल डॉक्टर खन्ना, माफ कीजिए आपको रुकूंगा, हमारे साथ ज्योति गुप्ता हैं, आप प्रिंसिपल हैं और लंबा अनुभव रहा है ज्योति गुप्ता का एक टीचर के तौर पर। ज्योति जी, क्या आपको लगता है कि बदलते समाज में इस तरीके की घटनाएं लगातार आपके संज्ञान में भी आती हैं, जब बहुत कम उम्र के बच्चे इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं जिनकी उम्मीद नहीं की जाती? जी बिल्कुल, आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा संज्ञान में आना शुरू हो गई है, मैं कहूँगी पिछले 10-1 साल से। उससे पहले इस तरह की जो कंप्लेन आती थी वो थोड़े बड़े बच्चों में आती थी, पर अभी छोटे बच्चों में भी आने लगी है। तो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो है वो बच्चों का एक्सपोजर है, जो कि टेलीविज़न के माध्यम से है या इंटरनेट के माध्यम से है। छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं वो इंटरनेट सर्व कर लेते हैं, और जब इंटरनेट सर्व करते हैं तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ पॉपअप्स आ जाते हैं जो एक एडवर्टाइजिंग के माध्यम से आ जाते हैं, जो कि बच्चों के लिए देखने के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। इसके अलावा बच्चे जो हैं आजकल, पेरेंट्स वर्किंग होने लगे हैं,
दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं तो सर्वेंट्स के ऊपर बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, तो उस वक्त पीछे घर में क्या एक्सपोजर बच्चे को मिल रहा है उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वजह से थोड़े से ट्रेंड्स जो हैं आजकल बढ़े हुए नजर आ रहे। लेकिन ज्योति जी, क्या स्कूलों के स्तर पर बच्चों को ये सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है? गुड टच बैड टच की बात लगातार होती है, क्या स्कूलों में होती है ये बात और क्या उसका असर दिखता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग छोटेपन से ही बच्चों को, नर्सरी में जब बच्चे आते हैं तो काउंसलर्स और क्लास टीचर्स इसकी बात करते हैं बच्चों के साथ, और हम पेरेंट्स को भी ओरिएंटेशन देते हैं। अभी जैसे डॉक्टर साहिबा कह रही थी, तो हम पेरेंट्स को भी इस चीज़ के अवेयर करते हैं कि आपको क्या अपने बच्चों के सामने दर्शाना है और क्या बच्चों के सामने नहीं दर्शाना। बच्चों को हम गुड टच बैड टच, स्ट्रेंजर्स से बात नहीं करनी है, किस तरीके से अगर कोई आपको हग करने की कोशिश करता है तो कैसे आपको अपना शोल्डर देना है, अपना फ्रंट हम रुक करेंगे। तो ये सब बात उदय सहाय, एक्स आईपीएस ऑफिसर भी हमारे साथ बने हुए हैं। उदय जी, आपसे मैं बात समझना चाहूंगी, एक 4 साल के मासूम के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, अब उस पर किस तरह से, यहाँ पर जब मामला दर्ज हुआ है तो उसे कैसे रिटेन किया जाएगा, कैसे जो पूरी जांच है इस मामले में होती है, क्योंकि 7 साल से वो छोटा है बच्चा। या ये थोड़ा सा पिकुलियर केस है क्योंकि यहाँ पर अक्यूज्ड बहुत इंप्रेशनिस्टिक एज का बच्चा है जी, और ये वो एज है जहाँ पर उसके दिमाग किसी भी हालात में किसी भी कारण से क्रिमिनलाइज हुआ है और उसने वो एक्ट किया है। उसके वो एक्यूज तो उसको नहीं कहेंगे, वो उसका नाम दर्ज बतौर एक्यूज किया गया है। नाम दर्ज करने के बाद नॉर्मल केसेस में जैसे आप अरेस्ट करके रिफॉर्मेटरी होम में भेजते हैं बड़े बच्चों को, या फिर अडल्ट्स को तिहाड़ जेल में भेजते हैं या कोई भी जेल में भेजते हैं, यहाँ पर ये बोर्ड ही डिसाइड इवेंचुअली करेगा। अभी भी आपस में हम लोग बात कर रहे थे कि एंड ऑफ द डे उसका डोमेन एक्सपर्ट वो बोर्ड माना जाता है जी, जिस जो ये फैसला लेगा कि उसको किस तरह से इस केस में एक। लेकिन उदय सर, आपको आईपीएस अफसर के तौर पर लंबा अनुभव रहा है, आपके करियर में क्या इस तरीके के मामले लगातार पहले भी आते रहे हैं या ये पहला मामला है? स्ट्रेंजली एनफ मैंने करीब 12 साल एक्टिव पुलिसिंग में बिताया है और जिले में ही मैंने बिताया है, लेकिन नॉट इवन वन केस आई हैव सीन जहां पर 4 साल का बच्चा अक्यूज्ड हो। आरफा खानम भी बनी हुई है हमारे साथ, एडवोकेट हैं। आरफा, आपसे भी समझना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर कानूनी दावपेच क्या है, क्योंकि अगर उस बच्चे के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो कैसे अब इस पर कानूनी, आप अपनी बात बताएंगी कैसे इस पर जो पूरा मामला है वो चलेगा आगे? देखिए, सबसे पहले तो 4 साल का बच्चा, हम सब बात कर रहे हैं 4 साल का बच्चा जो है वो अक्यूज है, लेकिन कोई भी जो है जुर्म तब तक साबित नहीं होता जब तक वो उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना हो जाए। तो अभी तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि वाकई उस बच्चे ने ऐसी हरकत की भी है या नहीं की है, क्योंकि जो ये बच्चा है ये 4 साल का बच्चा है, तो इसने क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि आजकल इंटरनेट जो है वो घर घर के अंदर है, और आजकल जो है जियो इतना आम हो गया है कि फ्री इंटरनेट जो है हम लोग यूज़ करते हैं, देखते हैं बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन होते हैं, बट क्या 4 साल का बच्चा, क्या वो इतना मैच्योर हो चुका है 4 साल का बच्चा कि वो इस तरीके का एक्ट कर सकता है? अगर उसने किसी भी सिचुएशन में उसने क्या समझा, क्या देखा और क्या किया उसने, ये देख करके उसने जो किया, अब अगर हम लीगल बात करें तो क्योंकि बच्चा 7 साल से छोटा है और बहुत ज़्यादा जो है छोटा, महज 4 साल का है, तो मैं ये कहूँगी कि सेक्शन 82 अगर हम बात करते हैं तो 82 के अंतर्गत जो बच्चे जो 7 साल से छोटे होते हैं तो वो बच्चे जो हैं उन पे कहीं ना कहीं जो है ये सेक्शन जो पॉक्सो जो इस पे लगाया गया है या 376 लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर ये गिल्टी अगर ये हो भी जाता है तो इसको जो है अब ये बोर्ड डिसाइड करेगा, जुवेनाइल बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्योंकि ये पूरी काउंसलिंग इस बच्चे की होगी। लेकिन अरफा जी, माफ कीजिए बीच में आपको रोक रहा हूँ, जो जो बच्ची है जो पीड़ित है
उसकी भी उम्र लगभग इतनी ही है, बिल्कुल चार उसका भी अपना दर्द होगा, उसकी भी अपनी शिकायतें होंगी। बेशक आप सही कह रहे हैं। उसके लिए क्या अधिकार? बिल्कुल उस पे, उसके लिए हम यही कह सकते हैं क्योंकि देखिए वो बच्चा भी नासमझ है और बच्चे भी नासमझ है, लेकिन इस तरीके के मामले जो है नहीं होने चाहिए। इसके लिए स्कूल्स के अंदर जो है इस तरीके के अवेयरनेस जो है प्रोग्राम्स कराए जाए, बच्चों को ये बताया जाए, क्योंकि मैं खुद एक बढ़ते कदम नाम की संस्था मैं खुद चला रही हूँ और उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 70 बच्चे हैं और 70 बच्चों को हम ये हर सैटरडे को हमारा ये प्रोग्राम चलता है, हर सैटरडे को हम एक एक्टिविटी क्लास रखते हैं, क्योंकि वो जो जिन बच्चों को हम लोग एजुकेशन देते हैं वो झुग्गी झोपड़ी के बच्चे हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रंस हैं, वो कूड़ा बीनते हैं, बैगिंग करते हैं, तो उनको नहीं पता है ये सब कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको भी लगता है कि ये इस तरीके के मामले पुलिसिंग के लिहाज से भी बड़ी चुनौती है, मतलब आप कैसे निपटेंगे इनसे, ये सवाल आपके सामने भी? हाँ, ये एक बड़ी चुनौती इसलिए है कि देखिए कोई भी क्राइम में मेंसरिया या इंटेंशन का बहुत बड़ा की अहमियत होती है। जैसे कहानी में आप बाइट और कोट लेते हैं तभी ये कहानी पूरी होती है। आपके पत्रकारिता की दुनिया में, क्राइम की दुनिया में मेंसरिया के बगैर वो सर्किल कंप्लीट नहीं होता जिसको हम क्राइम कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कहा जाता है, अगर एक आदमी ने दूसरे को मार दिया लेकिन उसका इरादा वो नहीं था। सो मेंसरिया प्रूफ तो इसमें ऐसे भी बाय प्रेजम्पशन नहीं होगा, और इसीलिए टेक्निकली स्पीकिंग, क्लिनिकली स्पीकिंग आप इसे क्रिमिनल की तरह शायद ट्रीट ना कर नहीं पाएंगे अगर पूरी हालात सीक्वेंस बनती भी है तो, और उस तरह से हाँ पहले इस पूरे मामले को समझा भी जाना चाहिए। डॉक्टर निशा, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि बहुत ज़रूरी होता है कि जब बच्चे किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर सबसे ज़्यादा जब वो घर में रहते हैं, क्योंकि बहुत छोटी उम्र है, महज 4 साल में बच्चे अपने माता पिता के ज़्यादा क्लोज रहते हैं या बाकी फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, यहाँ पर हमें किस तरह की सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है? मेरा ऐसा मानना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि माँ बाप हमारे इंडियन कल्चर में बच्चों के अपने साथ सुलाते हैं, चाहे वो बच्चा 5 साल की उम्र तक का भी नहीं होता है। बट मुझे एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए प्रोफेशनल लगता है बच्चों का अपने माँ बाप से सेपरेट सोना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नोइंगली या नोइंगली उनकी साइकी पर भी उसका असर पड़ता है। कई बार प्यार के चलते या बच्चे भी जिद के चलते अपने पेरेंट्स के साथ सोना चाहते हैं, बट आई थिंक सो एज ए प्रोफेशनल मैं अपने सारे व्यूअर्स को भी कहूँगी या अपने साथ मेरे पास जितने भी माँ बाप आते हैं, अगर बच्चे की उम्र छोटी है बट उसे सेपरेट रूम में सोने की आदत डालिए। ये इसलिए नहीं है कि आप बच्चे से प्यार नहीं करते हैं, बच्चे की अपनी खुद की आइडेंटिटी डेवलप होगी, उस आइडेंटिटी डेवलप होने में उसका आपसे लगाव होना एक हद तक अच्छा है, पर हद से ज़्यादा लगाव भी अच्छा नहीं है, ये उसकी साइकी पर उसका एक असर पड़ता है। मासूम प्रदुम के मामले में हमने देखा कि जिस बच्चे पर आरोप लगा है, जो छात्र है, वो 11वीं क्लास में पढ़ता है। इससे पहले दिल्ली का एक मामला था जिसमें टीचर डांटता है बच्चे को और जो स्टूडेंट है वो टीचर के दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। ये किस तरीके की स्थिति है और जो स्कूल प्रशासन है वो किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकता है? स्कूल प्रशासन लगातार जो है वो बच्चों से बात करता है। हम टीचर्स, हम काउंसलर्स, हम प्रिंसिपल्स बच्चों की हर वक्त काउंसलिंग करते हैं। एक प्रॉपर हमारा स्केड्यूल होता है जिसमें नर्सरी से लेकर 12th तक के बच्चों की हम लोग काउंसलिंग करते हैं। उसके अलावा हम पेरेंट्स की ओरिएंटेशंस करते हैं, पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं, किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना चाहिए, केस स्टडीज के साथ हम उनसे बात करते हैं, जो कि बहुत जरूरी और है। ये कोशिश करते हैं हम लोग जी, ये कोशिश करते हैं हम लोग कि बच्चे जब हम उनसे बार बार इस बात की बात करेंगे तो कुछ उनके दिमाग में बैठता है जिससे फिर वो ये सब नहीं करते। ठीक है, एक्चुअली एक्सपोजर बच्चों का आजकल इतना ज्यादा है कि पेरेंट्स ना चाहते हुए भी उनको इतने गैजेट्स दे देते हैं। उदय जी, आपसे भी मैं बात समझना चाहूंगी, जिससे कि बच्चों का नुकसान हो। 4 साल का बच्चा है, दोनों ही जो पक्ष है वो बहुत छोटे हैं, दोनों ही 4 साल की उनकी उम्र बताई जा रही है, क्या बजाय इस तरह से मामला दर्ज करने के बजाय क्या दोनों को काउंसलिंग की जरूरत थी? ये हम एक और ऑप्शन हमारे पास था। हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से देखिए इस तरह के केसेस में ऐसे भी अमूमन मैकेनिकली केस दर्ज नहीं होता है, क्योंकि अब सर्कमस्टेंसेस क्या रहे होंगे मैं नहीं जानता जी, लेकिन एक पक्ष के दबाव के कारण मात्र इसलिए केस दर्ज कर लिया जाए कि उससे तुष्टि होती है किसी के अहम की, ये बहुत प्रोफेशनल नहीं है, बिकॉज
वी शुड गो बाय द प्रोविजंस ऑफ लॉ और हमें डोमेन एक्सपर्ट्स पे छोड़ना चाहिए. बिल्कुल, तो कानूनी लिहाज से भी जटिलता बढ़ती है, पुलिस के सामने भी चुनौती है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि बच्चों की परवरिश किस तरीके से की जा रही है, सवाल उसको लेकर. और हम इन मुद्दों को इसलिए छोड़ देते हैं अनुराग क्योंकि हमें लगता है बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन ये आपको ही ध्यान रखना होगा क्योंकि ये चीज शायद घर से ही अपने बच्चों को हम परोसते हैं. रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं फौरन.